कहा गया है 63, 65, 67 और 3, 10, 17 डॉट 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 के यन्मय पद, मतलब इस श्रेणी का यन्मय पद और इस श्रेणी का यन्मय पद बराबर है, तो कहा है यन का मान ज्ञात कीजिए। अब निश्चित प्रश्नानुसार यन्मय पद क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इनका भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहले हम अलग अलग श्रेणियां जो है श्रेणी इसका यन्मय पद, यन्मय पद से पहले ज्ञात करते हैं कि a बराबर है 63 और डी निकाल लेते हैं, डी होगा 65 माइनस 63 बराबर हो जाएगा 2। अब 2 हो गया, लिखते हैं यन्मय पद, यन्मय पद बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a का मान है 63 धन एन माइनस वन और इंटू डी के स्थान पर 2, तो ये हो गया 63 धन 2 एन माइनस 2, ये हो जाएगा 61 धन 2 एन, ठीक 61 धन 2 एन, ये हो गया पहली समांतर श्रेणी का यन्मय पद। अब हम निकालते हैं दूसरी समांतर श्रेणी का यन्मय पद। दूसरी समांतर श्रेणी कौन सी है, 3, 10, 17 3, 10, 17 डाटा एपी, ये भी है समांतर श्रेणी। अब इसका a, a कितना है प्रथम पद है 3 और d का लेते हैं 10 माइनस 3 बराबर 7। यन्मय पद क्या होता है, यन्मय पद होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब a के स्थान पर 3 रखेंगे धन एन माइनस वन और d के स्थान पर रखेंगे 7, तो 3 धन 7 एन माइनस 7 यहां से हमको मिलेगा 7 एन माइनस 4 पहली समांतर श्रेणी जो बनी थी उसका यन्मय पद था 61 धन 2 एन, और दूसरी समांतर श्रेणी जो है इसका यन्मय पद है 7 एन माइनस 4। अब कहा है दोनों समांतर श्रेणियों के यन्मय पद बराबर है, तो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार 61 धन 2 एन बराबर 7 एन माइनस 4। पक्षांतर कर लेंगे हम, 7 एन का पक्षांतर कर लेते हैं, या तो 4 का पक्षांतर करें, 2 का उधर करते हैं, तो 61 धन 4 इधर आया, धन 4 हो गया बराबर 7 एन माइनस 2 एन। अब यहां पर इनको जोड़ते हैं, मिल रहा है हमको 65 बराबर 5 एन, तो यन हमको मिल रहा है 65/5, तो यन का मान हमको मिल गया 13। तो क्या हुआ इसमें, कहा गया यन के किस मान की दो समांतर श्रेणियों के यन पद बराबर है, तो यन बराबर 13 के लिए, मतलब यन बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब प्रश्न पढ़ेंगे।